रोजी का मालिक अल्लाह है। रोजी का मालिक कौन है? अल्लाह ने कहा वमा मिन दाबतिन फिल अर्दे इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसकी रोजी का जिम्मा मेरे ऊपर ना। भाई दुनिया तो ये दुनिया तो असबाब की जगह है। बताइए बच्चा माँ के पेट में है, एक बात याद रखना मियाँ बीवी जब मिलते हैं ना, ये जो गंदी चीज मर्द से निकल करके औरत के शिकम में रुकता है, जानते हो 40 दिन तक वो उसी शक्ल में रहती है। 40 दिन फिर गुजर गया, वो खून का एक लोथरा बनता है। फिर 40 दिन गुजरा, ओ छोटा छोटा उसकी छोटी छोटी उसकी शक्लें बनती है बच्चे की माँ के पेट में। छोटा हाथ, छोटी जबान, छोटा नाक, छोटी आंख, छोटा पैर। 4 महीने जब पूरा हो जाता है ना बच्चे का, तो माँ की शक्ल में बच्चे की शक्ल बनती है। अल्लाह उसी दिन से उसे रोजी देना शुरू कर देता है। माँ से बच्चे के जिस्म में कनेक्शन को अल्लाह जोड़ देता है, एक पाइप को जोड़ देता है। कुर्बान जाओ, बच्चा 9 महीना तक अपने माँ के पेट में रहता है, खाती माँ है, खाती माँ है, पेट बच्चे का भी भर रहा है, पीती माँ है, प्यास बच्चे की भी बुझ रही है। कुर्बान जाओ, दुनिया असबाब की जगह है, यहाँ तो कमाना खाना रोटी रोजी दाल रोटी भात मिल जाएगा। माँ के पेट में कौन सा असबाब है? वहां अल्लाह भूखा नहीं रखा, दुनिया में अल्लाह भूखा रखेगा? मैं दुनिया में भूखा रखेगा? कोई पागल को भी आप भूखा नहीं देखते होंगे, कोई पागल भूखा रहता है कहीं से ना कहीं? जो नहीं कमाता है वो भी खा लेता है, अरे जो नहीं कमाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक पागल को देखते होंगे, कपड़ा फटा पुराना है, घूम रहा है, तो कोई देखने वाला देखता है, भाई भाई इसको देख रहे 10 साल हो गया ऐसे ही घूमता है, भाई वो खाता हो ना कुछ, कुछ ना खाता होगा ना, तो उसके खाने की जगह नहीं है, ना घर है, ना कोई अपना है, ना कोई पूछता है, आखिर वो जिंदा कैसे है? तो पता ये चला अल्लाह उसे खिला रहा। रोजी के पीछे पहले मत भागो, नमाज के पीछे भागो। इंशाअल्लाह देखना तुम कारोबार से जुड़े हो, दुकान कर रहे हो। देखिए कलकत्ता के अंदर में जैश मोहम्मद अली का कपड़े की दुकान है, जकरिया स्ट्रीट कोलुटोला में, कभी आइए आप लोग, गए होंगे कलकत्ता मालूम होगा। उसकी 4 ब्रांच है कलकत्ते में, अब बहुत बड़ी दुकान है भाई, अल्लाह अकबर, कई कई स्टाफ खड़ते हैं उसकी दुकान पे, जानते हैं अजान की आवाज जैसी आई ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये सारे स्टाफ, दुकान का जो मालिक है, आप 1 लाख का कपड़ा लेने आए हैं ना, कपड़े में हाथ नहीं लगाएगा, बैठ जाइए। अब सारे लोग मस्जिद दौड़ेगा, दुकान वैसे खुली है, दुकान वैसे खोली है, स्टाफ भी किया, मालिक भी किया, और भाई हमें जल्दी है भाई, हमारी बेटी की शादी है, 1 लाख रुपए का कपड़ा लेना है। तो कहता है 1 लाख का लो कि 10 लाख का लो, जब तक नमाज नहीं पढ़ लेंगे हम बिजनेस नहीं कर सकते। और उस दुकान का मामूल है कुर्बान जाइए कि ग्राहक जाता नहीं है, ग्राहक इंतजार करता है, ग्राहक बैठा इंतजार करता है, ग्राहक बैठा इंतजार करता है, जब तक नमाज पढ़कर ना आ जाए वो ग्राहक हिल नहीं सकता। ये ग्राहक को रोका किसने? अल्लाह ने रोका है, अल्लाह ने रोका है कि बैठो, ये मेरी इबादत को किया है, ये मेरा जिक्र में किया है, ये मुझे याद करने किया है, तुम यहीं पर बैठो। इसलिए नौजवानों अगर दुकानदारी करते हो, बिजनेस करते हो, तिजारत करते हो, इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें बरकत भी ना देगा। जो नमाज का टाइम हो जाए, बिजनेस है तिजारत, इंशाअल्लाह तुम नमाजों की पाबंदी करो, 40 दिन अमल करके देखो, अल्लाह तेरे बिजनेस को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह बरकत देगा, पैसे में रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में भी बरकत देगा। शर्त है कि पहले नमाजी बन जाए। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज आछे, नमाज के बोलो ना काज
छे काज के बोलो आमा नमाजा छे काज के बोलो आमा नमाजा छे। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कितने लोग तैयार हैं कल से इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाओ भाई, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह हमारा ये बच्चा, ये नौजवान, ये मस्जिदों से दूर है, इबादत से दूर है, नमाजों से दूर है, ए अल्लाह ये भूल है हमारे बच्चों की, नौजवानों की गलती है, भूल है, ए अल्लाह तू रहीम है, माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारे इन नौजवानों को, हमारे इन नौजवानों को ए अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले। कौन नमाजी बना दे बोलो भाई, कौन नमाजी बना दे? पक्का सच्चा ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, अच्छा उसको आना था कहां? दलकोला आना था। उसको गाड़ी पकड़नी थी, अब वो किशनगंज वाली गाड़ी पकड़ा, तो जब स्टेशन पहुंचा ने देखा कि काफी भीड़ है, टिकट तो है नहीं, रिजर्वेशन नहीं था, सोचा जनरल टिकट ले लेंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे, बहुत सफर पूरा हो जाएगा। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन जब पहुंचा ने देखा बहुत भीड़ है, काउंटर पे इतनी बड़ी लाइन है, और ट्रेन का टाइम हो गया खुलने का, तो आदमी सोचा ना कि टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेनें छूट जाएंगी, अब फिर कल 24 घंटे के बाद ये गाड़ी मिलेगी, तो बोला कि नहीं टिकट नहीं लेंगे, बगैर टिकट का चढ़ जाते हैं, टीटी आएगा ना तो कुछ लिए दे करके मामला रफा दफा कर लेंगे। टिकट नहीं कटाया, ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट कटाया? भाई बोलो भाई टिकट बनाया? अरे बोलो ना भाई, टिकट कटाया? ट्रेन में चढ़ गया। आदमी था लेकिन बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, देख लिया ये कि टीटी आ रहा है, तो बोला अच्छा हो, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, मुसलमान है, टिकट लेंगे। एक कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया ही, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हमको समझ में बात आ गई, तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं यहां से। तो ये भी दलकोला का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है, बस ये नौजवान सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से नियत किया कि नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले नहीं अब टिकट नहीं लेंगे, तो नमाज पढ़ते रहो, नमाज के बोलो ना काजा छे काज के बोलो आमा नमाजा छे काज के बोलो आमा नमाजा छे। अच्छा देखिए, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद में बहुत सारे काम बाकी है, तो मेरे भाई एक बात याद रखना, मस्जिद बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। आज क्या वजह है हमारी बाबरी मस्जिद मेरे हाथों से निकल गई, हमारी बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई, मेरी मस्जिद थी, हमारी मस्जिद थी, लेकिन उसको मंदिर साबित किया, कुर्बान जाओ, इसकी वजह यही है कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया मेरे भाई। मस्जिदें आज बहुत सारी मस्जिदें हिंदुस्तान के अंदर में जो वीरान पड़ी हुई है, ये हमारी गफलत की वजह से कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, बाजार को आबाद कर रहे हैं, हालांकि मुसलमानों को मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिद को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। तो मेरे भाई मस्जिद बनाना है। अच्छा जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे भाई? अब भाई उठाओ भाई, इंशाल्लाह बोलो, मैं तो दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अनु। ये हजरत उस्मान गनी कौन हैं? दामादे मुस्तफ़ा हैं। जुन्नूरेन का खिताब मिला अल्लाह के रसूल ने, एक बादे दिगरे दो दो बेटियों को हजरत उस्मान गनी के निकाल, बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं,
खलीफाए सोम है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला नूराबी हैं, रिवायत फरमाते मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत माली शान महल बनाएगा। दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो मुसलमानों, इसलिए कि मरने के बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा। भाई मरने के बाद मौका मिलेगा? नमाज मरने के बाद नमाज का हुक्म है, रोजा का हुक्म है, जकात देने का हुक्म है, मस्जिद बनाने का हुक्म है। मरने के बाद मस्जिद नहीं बना सकते, मदरसा नहीं बना सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रख सकते। जो करना है जिंदे की हालत में कर लो, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये धड़कन रुक जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। अभी देखो ना, अभी देखा गया दो भाई, एक नौजवान अपनी बीवी के साथ होटल गया और उसके साथ छोटा भाई भी है। होटल में जाके ऑर्डर दिया, ओ आया भाई 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 मेनू आया भाई क्या क्या खाएंगे, खाने का ऑर्डर दिया। अब वो दोनों भाई मोबाइल देख रहा, दोनों भाई मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में कुछ देख रहा है भाई टाइम पास के लिए। अभी तो मोबाइल का जमाना, आदमी जहां बैठता है हाथ में पहले मोबाइल लगता है। अब कुर्सी में बैठा हुआ है ये नौजवान, दोनों भाई अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है। वेटर खाना लेके आया, वेटर खाना ला करके तीनों आदमी के आगे रखा। एक औरत इधर बैठी है, दोनों भाई एक साइड बैठा, कुर्सी में बैठा। और कुर्बान जाओ, बड़ा भाई मोबाइल देखते देखते खाना का प्लेट, खाना खाने की प्लेट आगे है, खाना रखा हुआ है, मोबाइल हाथ से छूटा और मुंह के बल खाने में माथा टेका। तो भाइयों ने पकड़ा, भाई क्या हुआ, खाने में काहे मुंह चेहरा दे रहा है। उसको सीधा करके कुर्सी पे बिठाया, सीधा करके कुर्सी से लुढ़क गया। और कुर्बान जाओ, लोग जब तक समझ पाते तब तक पता ये चला कि इसके जिस्म से रूह परवास कर गई, इसकी मौत हो गई है, इसकी डेथ हो गई है। इसलिए नौजवानों, जिंदगी की कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दुनिया में रह के जन्नत की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रह के हश्र के मैदान की तैयारी करो। इसलिए इस मजमे के अंदर में ज़कात का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया। लोगों ने अल्लाह ने कहा कि वकीमुस सलात वातुस ज़का, मेरे महबूब लोगों से कह दिए वो नमाजें कायम करे और ज़कात दे। हमने दौलत दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, इसमें से गरीबों का हिस्सा निकाले, मिस्कीनों का हिस्सा निकाले, बेवा का हिस्सा निकाले, गरबा का गरबा मसाकीन का हिस्सा निकाले। लेकिन कुर्बान जाइए, जब नमाज की बारी आई, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे बुलाया। कहां बुलाया? अच्छा, ये कितने आसमान है? 10, 7, 7, ये 7 आसमान है। ये फर्स्ट है, ये पहला आसमान जो देख रहे हैं हम लोग, ये पहला है। इसके बाद भी दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो अल्लाह ने अपने हबीब को अर्श पे बुलाया। अर्श कहाँ है? अल्लाह का कुरान कहता है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अमीन अली सलातु वल तस्लीम के साथ में। फिर वो मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत फरमाई। फिर वहां से बुराक पर सवार होकर पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान के बाद जो है वो सिदरतुल मुंतहा है। किया छे बोलो? सिदरतुल मुंतहा किया छे बोलो? तो सिदरतुल मुंतहा। और सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। कुर्बान जाइए, अल्लाह का अर्श है। अल्लाह से गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब रुक जाइए। कहा कि या अल्लाह, मैं रुका। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब अब दुनिया में जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तोहफा लेते जाइए। क्या लेते जाइए भाई? बोलो भाई क्या लेते जाइए?
गिफ्ट गिफ्ट लेते जाइए, तोहफा लेते जाइए, तोहफा। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज है। कितने वक्त की नमाज है? बोलो भाई, बोलो भाई, 50 वक्त की नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लिए चल दिए, छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हो गई। ए बाबू बोशे जाओ, बैठ किया से बोलो, एदिके नहीं आसो, आसो एखाने स्टेजे आसो। माशाल्लाह ये तो छोटी छोटी बच्चियां आई हैं, कुछ लेकर आई है बच्चियां, अल्हम्दुलिल्लाह। ए हे माशाल्लाह माशाल्लाह, किया से बेटा। हे माशाल्लाह, ये हमारी बच्चियां थी। एक बात याद रखना, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। आहा, बेटी किसी की भी हो, चाहे वो यहूदी की बेटी हो, काफिर की बेटी हो, नसारा की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई, इस्लाम कबूल नहीं की थी, गिरफ्तार होकर मदीना आई तो अल्लाह के रसूल की निगाह पर गई कि बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है। आमिना के लाल अपने कंधे से चादर उतारे, एक साहबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। तो साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, वो काफिर की बेटी है, काफिर है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। सुभान अल्लाह, बोले दो माशाल्लाह। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा मजहब है, ये मेरे मजहब की तालीम है। तो मैं ये कह रहा था भाई, कितने वक्त की नमाज मिली भाई, बोलो भाई, 50 वक्त की नमाज मिल गई। छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, तो मूसा अलैहि सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह तोहफे में क्या मिला? कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 50 वक्त की नमाज मिली है। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि या रसूलुल्लाह, हमारी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में क्या वक्त की नमाज फर्ज थी, बोलो भाई, बोले बोलो भाई, कौन कौन सी नमाज? फजर और असर, फजर और असर बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, 5 वक्त की नहीं। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी वो नहीं पढ़ पाते थे, ये 50 वक्त आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करवाइए, अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए अर्श पे, अल्लाह ने पूछा, मेरे महबूब क्या बात है? कहा कि अल्लाह नमाज कुछ कम हो जाती। बोला अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम कर दिया जाइए। कितनी रह गई भाई, बोलो भाई कितनी रह गई? 45। मूसा अलैहि सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 5 वक्त की। बोला फिर जाइए, अभी बहुत है, जाइए। गए तो अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब क्या है? कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज और कम कर दी। भाई कितनी रह गई भाई? तो मूसा अलैहि सलाम ने फिर पूछा कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, कितने बार गए भाई? 9×5=45 वक्त की नमाज कम हो गई। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 45। कितनी रह गई? 5। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो दिले दिल सोचते होंगे, आह एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था। फिर नमाज का झमेला नहीं रहता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा मुझे शर्म आती है, अब मैं अल्लाह के पास नमाज कम करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना, अल्लाह ने आवाज दिया, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरे महबूब
मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, फिर उस नमाज को मैंने कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे हबीब आपकी उम्मत, जो भी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का अजर देगा, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम तस्बीह ले लो मस्जिद में बैठ जाओ, हम ये नहीं कहते। तुम कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काश्तकार है, खेती कर रहे हैं, किसान है, हम ये कहते हैं, मान गए यहाँ के डालकोला बाजार में मेरी दुकान है, भाई अजान का वक्त हुआ हम मस्जिद नहीं जा पाते, दुकान में बहुत भीड़ रहती है, तो ये बताओ पहले नमाज है कि पहले काम है? भाई नमाज है ना,